नमस्कार, मैं शिवान सोनकर और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का मनमोहन सरकार पर हमला, पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करने को बताया कमजोरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई ना करने के लिए मनमोहन सरकार पर हमला बोला है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कहा कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ना करना आपकी कमजोरी को दर्शाता है। वहीं मनीष तिवारी ने कहा कि भारत को उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी जैसी अमेरिका ने 9/11 के बाद की थी। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने कहा था कि वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस को एक और झटका, टीएमसी में शामिल हो रहे राहुल गांधी के करीबी अशोक तंवर और कीर्ति आजाद। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने देश भर में पार्टी के विस्तार के लिए आक्रामक रणनीति तैयार की है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को गोवा, असम और त्रिपुरा में हुआ है। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अब तृणमूल कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी अशोक तंवर को पार्टी में शामिल कर रही है। अशोक तंवर ने हाल ही में अपना भारत मोर्चा के नाम से अलग पार्टी का गठन किया था। दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस के बड़े चेहरे कीर्ति आजाद भी टीएमसी में शामिल होंगे। गलवान के वीरों का सम्मान, शहीद संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले साल चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया है। महावीर चक्र सम्मान परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है। वहीं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का हिस्सा रहे नायब सूबेदार नुड्डू राम सोरेन, हवलदार के पिलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। चार पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया है। बिहार में शराबियों को नहीं मिलेगी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा जवाबदेह। बिहार में शराबियों को नौकरी नहीं मिलेगी और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है। पटना में अधिकारियों ने होटल से लेकर अन्य प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर पूर्ण शराबबंदी के लिए रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब की सूचना होगी तो पुलिस कहीं भी छापे मार सकती है। शराब की हिस्ट्री वालों को नौकरी नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों को शपथ दिलाई जा रही है कि वे शराब नहीं पिएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी शराब को लेकर सख्ती बरती जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की भव्य तैयारी, पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और निर्णायक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। यूपी सरकार जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए भव्य तैयारी कर रही है। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसका पहला चरण 2024 तक पूरा हो जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। इस खास आयोजन के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट में टेंट लगाया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि ये पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी रैली होगी और इसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को निरस्त करने से पहले चर्चा करा सकती है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है, लेकिन औपचारिक तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल कल कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा सकता है। इसके बाद 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा। इससे पहले सरकार संसद में इस पर छोटी चर्चा का प्रस्ताव पेश कर सकती है। कृषि मंत्री भी सदन को बता सकते हैं कि आखिर कृषि कानून वापस लेने का क्या कारण है। संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा जाएगा। महंगाई से निपटने के लिए युद्ध के लिए रिजर्व तेल का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए अमेरिकी सरकार अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और इससे महंगाई पर भी नियंत्रण हो सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का ये कदम अमेरिकी तेल की कीमतों पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं डालेगा। दरअसल अमेरिका में अगले साल मध्यावधि चुनाव होने हैं। इससे पहले बाइडेन प्रशासन महंगाई को लेकर आलोचना का सामना कर रहा है। ये कदम इसी आलोचना के जवाब में उठाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।